हेलो स्टूडेंट, आप सभी का करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार का स्थान लिया है। उपेंद्र द्विवेदी को परम विशिष्ट सेना मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। आगे हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री योजना क्या है? तो योजना की लागत जो है 480 करोड़ रुपए है। शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को यह लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, मियो ओका भारत में किस बैंक की कंट्री निदेशक बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक जो है, इसका जो है मियो ओका भारत में बैंक की कंट्री निदेशक बनी है। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने ताकियो कोनिशी के स्थान पर भारत के लिए निदेशक के रूप में मियो ओका को नियुक्त किया है, जो कि जापान से संबंधित है। वह भारत और एडीबी की साझेदारी को मजबूत करने का काम करेंगी। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। हैदराबाद की तेलंगाना में 6 जून 2024 को भारत और कुवैत के बीच फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर मैच आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में किया जाएगा। फाइनल मुकाबला 19 जुलाई 2026 को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, किस राज्य में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। हरियाणा में दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट को स्वीकृति प्रदान की गई है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, इसकी क्षमता कितनी है? तो 800 मेगावाट इसकी क्षमता है। स्थान जो है यमुनानगर, जो कि हरियाणा में स्थित है, और इसमें कुल लागत जो है 6,900 रुपए की लागत है। इसमें 6,900 करोड़ रुपए की, और निर्माण के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल को टेंडर आवंटित किया गया है। 57 महीने की अवधि में ये तैयार किया जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 6 है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 6 से 9 फरवरी भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह, उसका उद्घाटनकर्ता पीएम मोदी जी थे। आयोजन 6 से 9 फरवरी 2024 को हुआ है। आयोजक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ ने किया है, और प्रायोजक जो है कंपनी कौन सी है? तो सऊदी अरब की सऊदी अरामको की राष्ट्रीय तेल कंपनी। विभिन्न देशों के लगभग 70 ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हुए थे। 9 से अधिक प्रदर्शक भी इसमें भाग लिए थे। प्रश्न नंबर 7 हमारा है, किस देश ने भारतीय नागरिक के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति घोषणा की है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा, ईरान। ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा नीति की घोषणा की है। इसके तहत वीजा फ्री नीति केवल पर्यटन उद्देश्य के लिए मान्य होगी। यह सुविधा 6 महीने में एक बार प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत पर्यटक ईरान में अधिकतम 15 दिनों तक रुक सकते हैं। हाल ही में श्रीलंका और थाईलैंड ने भारत के लिए फ्री वीजा सुविधा शुरू की है और उसके बाद ईरान ने भी यह सुविधा शुरू कर दी है। प्रश्न नंबर 8 हमारा है, किस संस्था ने हाइपर वेलोसिटी इंटरनल का सफल परीक्षण किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, आईआईटी कानपुर जो है, आईआईटी कानपुर ने हाइपर वेलोसिटी इंटरनल का सफल परीक्षण कर लिया है। आईआईटी कानपुर ने भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल सुविधा को परिसर में स्थापित किया है। टनल की लंबाई कितनी है? तो 24 मीटर इसकी लंबाई है। आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने इसे जिगर ठंडा या S2 सुविधा का नाम दिया है। प्रश्न नंबर 9 हमारा है, मार्क फिलिप्स किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा, गुयाना के मार्क फिलिप्स प्रधानमंत्री हैं जो भारत की 6 दिन की यात्रा पर आए हैं। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिन की यात्रा पर जो कि नई दिल्ली पहुँचे हैं। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच जो है संबंधों और मजबूती मिलेगी। प्रश्न नंबर हमारा 10 है, नायब बुकेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल सल्वाडोर के नायब बुकेल राष्ट्रपति बने हैं। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेल को भारी बहुमत से फिर चुन लिया गया है। नायब बुकेल को 83% वोट प्राप्त हुए हैं। बुकेल ने खुद को दुनिया का सबसे कूल तानाशाह बताया है। तो आज का हमारा करंट अफेयर का प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।